हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मेरे चेहरे पे आप लोगों को खुशी तो दिख रही होगी, मतलब खुशी झलक रही है, और हो भी क्यों ना भाई, खुशी की बात है। पहले तो अपना भाई ईद का चांद बनके एकदम छुप गए थे, और अब तो दिवाली की पटाखे की तरह हर फिल्म में खाली सलमान भाई नजर आ रहे। मतलब हर जगह भाई के अलावा मूवी बनी नहीं रहे, कुछ इस तरीके से चीजें लग रहा है। पहले तो लग रहा था कि भाई को देखने में हमें काफी टाइम लगने वाला है, फिर पता चला कि एक मूवी के अंदर क्या है, फिर पता चला दो मूवी के अंदर क्या है, और उस दूसरे मूवी से भी भाई लोग तीसरे मूवी का एक नया शुभारंभ हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या सीन है, अगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता तो सही वीडियो के अंदर आ चुके हो, अंत तक बने रहे। क्या सीन है और आज क्या आने वाला है, क्या धमाका फूटने वाला है आज, वो हम बात करेंगे। और अपना भाई यानी अपना मेगा स्टार सलमान खान किन किन मूवीज के अंदर और अब ऑफिशियली किस मूवी के अंदर फीचर हो चुका है, जिस चीज से वो मूवी का हाइप ऐसा था एंड उसके बाद इस प्रकार हो चुका है कि अलग ही लेवल सी। समझ में नहीं आ रहा है कि सुपरस्टार का फिल्म है या फिर अपने मेगा स्टार सलमान भाई का, अलग ही लेवल का क्रेज बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग सीन कुछ इस प्रकार है कि कल ही पूरा सोशल मीडिया हिल गया जब पता चला कि सलमान भाई अब ऑफिशियली सिंघम 3 के अंदर होने वाले हैं। यानी सलमान भाई का आइकॉनिक कैरेक्टर चुलबुल पांडे वाला कैरेक्टर अब सिंघम अगेन का पार्ट होने वाले हैं, और वो ऑफिशियली डन डना डन डन है भाई। तब से पूरा सोशल मीडिया हिल चुका है, और जिस तरीके से सिंघम 3 का क्रेज था लेकिन उस प्रकार नहीं था, और जैसे बड़ा है, कहते ना कि एक शेयर मार्केट की मैं बात करूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि एक शेयर आपने खरीदा है, पहले ऐसा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, जो शेयर आपने बहुत ही कम पैसों में खरीदा था अब उसका लाखों करोड़ों में प्राइस बन गया, और आपको समझ में नहीं आया कि सीन कुछ इस प्रकार है। और सिंघम अगेन के साथ ये सीन हुआ है, जैसे भाई का सीन पता चला कि सलमान भाई होने वाले, पता नहीं भाई इस मूवी का मेगा स्टार स्टारडम कैसे भर गया, और ये मूवी अलग ही लेवल सीन अप कर रहा है, अलग ही लेवल सीन है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि सिकंदर के सेट के ऊपर रोहित भाई आए हुए थे, और काफ़ी देर तक जो है उनकी मीटिंग चली है, देर रात वो आए हुए थे 10 बजे के करीब, और सेट पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक मीटिंग जो भी चीज़ें वो की थी, क्योंकि उससे पहले काफ़ी रूमर्स अपडेट जो है वो चीज़ें हुई थी, एंड रोहित भाई आए थे उन सभी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि एक्चुअली में सीन क्या हुआ था। देन अब जो है ऑफिशियली ये डन हो चुका है, और अब भाई शायद आज के दिन जो है उसका शूटिंग करने वाले हैं, एक दिन पूरा देने वाले, और उसके अंदर रोहित शेट्टी ने सलमान भाई को लेके जो एंट्री उन्होंने प्लानिंग की है बहुत ही तगड़ा वाला। आई होप कि इस मीटिंग के अंदर रोहित भाई ने सलमान भाई को ये कहा होगा कि आप अपना एक दिन इस कैमियो रोल को दे दीजिए जो कि इस फिल्म के अंदर आने वाला है, बाकी इस कैमियो रोल से कैसे एक फिल्म निकालवाना है वो मैं कर लूंगा। यानी ये सीधा सीधा इशारा है दबंग 4 को खींच के कॉप यूनिवर्स के अंदर लाना है, और इस कॉप यूनिवर्स को एक अलग ही लेवल का सीन बनाना है। तो अब सलमान भाई भी ऑफिशियली जुड़ चुके हैं। आई होप कि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन आप कह लो, एंड में सीन कह लो, फिर जिस तरीके से भी ये मूवी के अंदर सलमान भाई की एंट्री दिखाने वाले हैं, ये खाली एक नॉर्मल एंट्री गेस्ट अपीयरेंस नहीं होगा भाई, इससे आप लोग काफी सारी चीजें समझ सकते। जैसे सिम्बा के अंदर अक्षय कुमार का लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था जो कि नेक्स्ट फिल्म को सेटअप किया था, सूर्यवंशी, फिर सूर्यवंशी फिल्म आया था। आई होप कि ये जो मूवी के अंदर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाने वाले हैं उसके अंदर जो है सलमान भाई का एंट्री होने वाला है, और कुछ तो धमाकेदार सीन उन्होंने प्लानिंग किया ही होगा। अभी एक्शन वैक्शन होता है नहीं होता है नहीं पता, बट आई होप कि जो भी चीज़ें होगा बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होगा। तो भाई लोग, जब भी आप लोग ये मूवी देखने के लिए जाओगे, पोस्ट क्रेडिट सीन तो बिल्कुल ही मिस मत करना, मतलब एकदम लास्ट तक बने रहना, जब तक एकदम स्क्रीन ब्लैक ना हो जाए तब तक बने रहना, क्योंकि भाई के एंट्री तभी होने वाला है और अलग ही लेवल सीन होने वाला है, और आई होप कि उससे एक नया चैप्टर का शुभारंभ होने वाला है। तो भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, आज तो भाई ट्रेलर आने वाला है। आई होप कि अब तक जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तब तक ट्रेलर भी आ गया होगा, और चैनल के ऊपर उसका रिव्यू भी आ गया होगा। तो मुझे लगता नहीं उस ट्रेलर के अंदर ज्यादा कुछ दिखाने वाले हैं, कुछ एंट्री वेंट्री दिखाएंगे किसी का, थोड़ा स्टोरी नैरेशन हो सकता है, थोड़ा जैसे मेन अपने हीरो है अजय देवगन, उसका कुछ डायलॉग वायलॉग एक्शन वैक्शन सीन वीन दिखा सकते हैं। अभी बाकी कैरेक्टर को दिखाई देंगे तो मूवी के अंदर क्या ही दिखाएंगे,
सलमान भाई ऑब्वियस बातें नहीं दिखाने वाले हैं, वो तो एकदम छुपा के रखेंगे, वही तो असली चीज है जिसके लिए मैक्सिमम ऑफ ऑडियंस जाने वाले हैं वहां पे। तो भाई लोग एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। खाली यही पे खत्म नहीं है भाई, बेबी जॉन के अंदर अपने सलमान भाई का और एक ढांसू वाला धमाकेदार खतरनाक वाला जो है कैमियो होने वाला है, वो तो आप लोगों को बताइए। एक ये कॉप का जो है रोल वो प्ले करने वाले हैं, जैसे वो सिंघम अगेन के अंदर किए थे, इससे पहले भी सलमान भाई ने काफी कॉप के रोल किए थे, स्टार्ट किया था वांटेड से और खत्म किया अंतिम मूवी के अंदर। बीच में काफी सारे मूवीज के अंदर पुलिस वाले रोल उन्होंने कॉप का रोल जो है प्ले किया था, तो इस मूवी के अंदर भी बेबी जॉन के अंदर भी वो खतरनाक कॉप का रोल प्ले करने वाला है, जहां पे वो वरुण धवन के आमने सामने होंगे और दोनों एक साथ वन एंड ओनली भिड़ते हुए नजर आएंगे, तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और प्रेजेंटेशन के मामले में एटली का कोई मुकाबला नहीं है भाई, इस चीज से ना टीज होने वाला है एटली 6 का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनने वाला है सलमान भाई को लेके। यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि एक छोटा सा कैमियो के अंदर भी हम सलमान भाई को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो सोच लो एक फुल फ्लेज मूवी के अंदर जहाँ पे धुरंधर एक्टर्स होने वाले हैं, साथ ही हम सलमान भाई को प्रेजेंट करेंगे बहुत ही खतरनाक स्टोरी के अंदर, तो सोच के देखो एक ऐसा रोल देने वाला है जिसको देख के भाई सब हिल जाएंगे, तो कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट सुन रहा हूँ जिस चीज से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा है। आज ट्रेलर देखते हैं, फिर बेबी जॉन का भी ट्रेलर आने वाला है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके अंदर भी काफी सारे और चीजें छोटी छोटी, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है आई होप की, तो खाली ये बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया कि दो चार दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कहाँ चले गए, ये सारी चीजें बसरबाजी हो गई, सलमान भाई की एंट्री वेंट्री हो गया, कॉप यूनिवर्स के अंदर ऑफिशियली सीन हो चुका है, तो ये हो रहा है। तो आज शायद शूट करने वाले हैं, एक दिन का पूरा फुल शूट होने वाला है, पूरा सेटअप वेटअप लगा के खतरनाक वाला शूट वो करने वाले हैं, एंड बाकी फिल्म तो आने ही वाला है 1 नवंबर को, फिर तो मजा आ जाएगा दिवाली के अंदर, मतलब अलग ही लेवल का दिवाली हो जाएगा, अलग ही लेवल का दिवाली, क्या कहने मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।